दोस्तों, रतन टाटा भारत के ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए आज हम रतन टाटा की लाइफ से जुड़े 5 मोटिवेशनल फैक्ट जानते हैं। साल 2008 में मुंबई अटैक के दौरान ताज होटल को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसे रिपेयर कराने के लिए टाटा ग्रुप ने टेंडर निकाले। इस दौरान दो पाकिस्तानी कंपनियों ने भी इन टेंडर को भरा, लेकिन जब रतन टाटा को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी कंपनियों को टेंडर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी कंपनियों के प्रतिनिधि रतन टाटा से मिलने भारत पहुंच गए, लेकिन रतन टाटा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तानी कारोबारियों ने किसी बड़े नेता से सिफारिश भी लगवाई, लेकिन रतन टाटा ने उस नेता को ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम बेशरम हो सकते हो, मैं नहीं। साल 2008 में मुंबई हमले की घटना के बाद जब पाकिस्तान ने टाटा सुमो की हजारों गाड़ियों का ऑर्डर दिया, तब अपने नुकसान की चिंता किए बगैर रतन टाटा ने इस ऑर्डर को यह कहते हुए कैंसिल कर दिया कि मैं उस देश को गाड़ियां नहीं दे सकता जो मेरी गाड़ियां मेरे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करें। दोस्तों, शुरुआती दोनों फैक्ट ये दर्शाते हैं कि रतन टाटा वो सच्चे देशभक्त हैं जिनके लिए बिजनेस नहीं बल्कि देश सर्वोपरि है। जब रतन टाटा ने अपनी ड्रीम कार इंडिका को लॉन्च किया तो उस कार को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कंपनी घाटे में जाने लगी। तब कंपनी के शेयर होल्डर्स ने रतन टाटा को कंपनी बेचने का सुझाव दिया। तब ना चाहते हुए भी रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास ले गए, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा के साथ बुरा बर्ताव किया और कहा कि जब आपको इस बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है तो ये बिजनेस शुरू ही क्यों किया, अब ये कंपनी हम आपसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को चुभ गई और उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। वापस भारत लौट आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी घाटे में जाने लगी। तब रतन टाटा ने फोर्ड के दो लग्जरियस ब्रांड जेगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। तब बिल फोर्ड ने कहा कि सर, आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे हैं रतन टाटा जिन्होंने अपने अपमान का बदला आक्रोश से नहीं बल्कि प्रोग्रेस से लिया। रतन टाटा कुछ साल पहले ही सोशल मीडिया पर आए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि कुछ ही समय में उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स को उन्होंने ट्वीट कर धन्यवाद कहा, लेकिन रतन टाटा के इस ट्वीट पर एक लड़की ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटू। इस बात पर रतन टाटा के फैंस इस कदर भड़क गए कि उन्होंने उस लड़की को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जब रतन टाटा ने यह देखा तो उन्होंने अपनी महानता का परिचय देते हुए अपने फैंस की तरफ से खुद उस लड़की से माफी मांगी। हालांकि इसके बाद उस लड़की ने भी वो ट्वीट डिलीट कर अपनी गलती को सुधार लिया। हम उस देश के वासी हैं जहां गोला बारूद से ज्यादा आदर्श और संस्कार सिखाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ कोई अपने संस्कार भूल जाते हैं तो कोई इसे बेशकीमती तोहफा समझकर अपने पास रख लेते हैं। ऐसा ही हुआ जब रतन टाटा को साल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो ये अवार्ड देने के लिए इंफोसिस कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति को बुलाया गया। जब नारायण मूर्ति रतन टाटा को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले रतन टाटा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। दोस्तों, ये तस्वीर नारायण मूर्ति के संस्कार और रतन टाटा की महानता को दर्शाती है। सो दोस्तों, ये थे रतन टाटा की लाइफ से जुड़े कुछ मोटिवेशनल फैक्ट। ये फैक्ट आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।